उन्होंने एक मृत्यु सैया को जाते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार वाले विलाप कर रहे हैं। तो उस इन तीन मंजरों के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि संसार में सिर्फ सुख ही नहीं है, दुख भी बहुत मात्रा में स्थित है। इसके बाद उनको ये व्यथा हमेशा परेशान करने लगी कि दुख इस संसार में क्यों है। इसलिए उन्होंने अपने राजशाही जीवन का त्याग करके वो जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। घोर तपस्या करी जिसमें उन्होंने कई महीनों तक उपवास रखा, अपने शरीर को कष्ट दिया, मानसिक कष्ट झेले और इस तरह वो रोगग्रस्त होकर जर्जर अवस्था में पहुंच गए। उसी वक्त उनको उनके कानों में कुछ सुर कुछ गान पड़ा और उन्होंने देखा कि एक गायिका का समूह है जो वहां से गुजर रहा था और एक गाना गा रहा था और उस गाने का सार था कि मनुष्य इस जीवन में अपने शरीर व मन को इतना कष्ट ना दे कि उसका जीवन ही कष्ट में पड़ जाए। इसलिए यह उसी तरह है जिस तरह एक वाद्य यंत्र होता है, अगर हम उस वाद्य यंत्र के तारों को हद से ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाते हैं और यदि जितना ज़रूरत होती है उतना खींचते हैं तो उसमें से सुर उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं इसी चीज़ को इसी गान के सार को सर गर्भित करते हुए बुद्ध ने सोचा कि अपने शरीर व मन को कष्ट देने से ज्ञान का बोध नहीं हो सकता, ना तो ज्ञान का बोध एक शाही जीवन में से हो सकता है और ना ही शारीरिक कष्ट से हो सकता है। इसका बोध मध्यम मार्ग से ही हो सकता है, जिस मध्यम मार्ग पे चलकर आगे बुद्ध ने ज्ञान प्रकाश और निर्वाण को प्राप्त किया। जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ वो प्रबुद्ध हो गए, एनलाइटेंड हो गए, और जब वो एनलाइटेंड हो गए और ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को वह सभी के साथ शेयर करना चाहते थे, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वह ज्ञान दुख का निवारण था। इसलिए उन्होंने चार आर्य सत्यों की स्थापना की जिसे फोर नोबल ट्रुथ भी कहा जाता है, जिसमें पहला नोबल ट्रुथ है देयर इज सफरिंग, संसार में दुख है। इस आर्य सत्य के अनुसार उन्होंने दुख को व्यापक माना और उसको व्यापक मानते हुए यह समझा कि यह काफ़ी मात्रा व स्वरूपों में मनुष्य जीवन में स्थित है, इसीलिए मनुष्य का जीवन दुखमय है। जब इसकी मात्रा सुख से अधिक होती है तो व्यक्ति दुखी होता है और जब इसकी मात्रा सुख से कम होती है तो व्यक्ति सुखी होता है। इसी तरह यह दुख सुख की श्रृंखला निरंतर श्रृंखला मनुष्य के जीवन को बनाती है और इसीलिए मनुष्य का जीवन दुखमय है। तो इस तरह उन्होंने अपना पहले आर्य सत्य की व्याख्या की कि देयर इज सफरिंग, संसार में दुख है। दुख को व्यापक मानते हुए उन्होंने उसके निवारण को लक्ष्य बनाया और दूसरा आर्य सत्य की स्थापना की जिसके अनुसार देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, अगर दुख इस संसार में है तो दुख का कारण भी होगा। और दुख का कारण जानने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करी और उनको अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें पता चला कि तृष्णा डिजायर उसका कारण है और तृष्णा की वजह से ही अविद्या है, क्योंकि अविद्या की वजह से ही दुख है। यहाँ अविद्या का मतलब पढ़ना लिखने से नहीं है, यहाँ अविद्या का मतलब जीवन यथार्थ के सिद्धांतों को समझने से है, क्योंकि जब हम जीवन के यथार्थ को समझ लेते हैं तो हमें दुख का अनुभव नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि अविद्या जो है वो दुख का कारण है और इस तरह से उन्होंने यह स्थापित किया कि अविद्या ही दुख का कारण है और दुख के इस सांसारिक जीवन के सिद्धांतों को ना समझना ना देख पाना ही दुख है। इस तरह उन्होंने कहा कि हम इस दुख का कारण जो है अविद्या है उसको प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्रतीत समुत्पाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के सिद्धांत को स्थापित किया और ये जो
प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि इसके ऊपर सारे दूसरे सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। यदि हम प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को समझ लेंगे तो बुद्ध के नैतिक दर्शन को भी समझ लेंगे, और जब हमें बुद्ध का नैतिक दर्शन समझ में आ जाएगा, उसको जब हम आचरण में ले आएंगे, तो हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए प्रतीत समुत्पाद के को समझना बहुत जरूरी है। प्रतीत समुत्पाद एक हेतु प्रक्रिया है, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भी चीज है, जो भी वस्तु इस संसार में है, जिसकी भी सत्ता है, उसका हेतु है। एवरीथिंग इज कॉजल इन नेचर, एवरीथिंग इज कंडीशनल, देयर इज नथिंग विच इज अनकंडीशनल। हर चीज की एक हेतु है, एक कारण है, जिसकी वजह से वो इस संसार में स्थित है। यदि हम उस कारण को समझ लें तो हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं। तो उन्होंने उस कारण को समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद की स्थापना की, और उन्होंने उनके अनुसार ही हु सीज प्रतीत समुत्पाद सीज धम, एंड ही हु सीज धम कैन सी प्रतीत समुत्पाद। जो प्रतीत समुत्पाद को समझ लेगा वो धम को भी समझ लेगा, जो धम को देखता है वो प्रतीत समुत्पाद को देखता है, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद ही वो नियम है, वो फॉर्मूला है, जिससे हम नैतिक जीवन को समझ सकते हैं और नैतिकता को उसका आधार बना सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत पे उनकी दूसरी नैतिक शिक्षाएं और सिद्धांत आधारित हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला उनका सिद्धांत है जो प्रतीत समुत्पाद पे आधारित है, वो है कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। कर्म सिद्धांत यह कहता है कि जो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था है वह उसके पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित है। जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं वो हमारे वर्तमान का कारण है, और वर्तमान हमारा कार्य है। तो इस तरह से कारण कार्य संबंध को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जो हमारी वर्तमान अवस्था है वो हमारे पूर्व कर्मों पर निर्धारित है, और हमारा भविष्य हमारी वर्तमान कर्मों पर आधारित है। इसलिए जो हमारा वर्तमान है वो कार्य है पूर्व कर्मों का, और पूर्व कर्म कारण है। इसी तरह भविष्य भी कार्य है और वर्तमान कारण है। इस संबंध में उन्होंने कारण कार्य संबंध को प्रतीत समुत्पाद के संबंध में समझाया, और उसी के आधार पर कर्म सिद्धांत को समझाया कि जो कर्म है वो कॉजल है, क्योंकि सभी इस संसार में जो भी चीज़ है, जो भी कर्म हम करते हैं, उसका कारण अवश्य होता है, और जब उसका कारण है तो उसका इफेक्ट भी होगा, उसका कार्य भी होगा, और वही इफेक्ट फिर कारण बन के दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक सीरीज है, एक आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, स्वभावतः ऐसा कोई पुद्गल, ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। सो सीधे तौर पे उन्होंने आत्मा की अवधारणा को नकार दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा नहीं है तो हम जब जन्म लेते हैं और उम्र दराज होते हैं फिर भी एक कैसे बने रहते हैं। तो उन्होंने उसको बताया है कि आत्मा उसका कारण नहीं है, उसका कारण है निरंतर क्रमबद्ध श्रृंखला प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो चेतना है वो निरंतर बह रही है, वो एक क्षण से दूसरे क्षण में परिलक्षित हो रही है, वो प्रतीत समुत्पाद को फॉलो कर रही है। इसलिए वहाँ किसी आत्मा के जैसी वस्तु की जरूरत नहीं है, आत्मा जैसे द्रव्य की अवधारणा नहीं है। इसलिए आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो क्षणिक है, जो कुछ है वो कॉजल है, और जब कॉजल है तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, क्षणिक है तो वो दूसरे पल को बदल जाएगा, और जो कर्म है बस वो ही सही है, क्योंकि एक अवस्था में किया हुआ कर्म दूसरी अवस्था को परिलक्षित करता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जैसे रथ है, रथ किसका
का संकलन है, रथ घोड़ा पालकी का संकलन है। और जब यदि हम इन अंगों को हटा दें तो रथ का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसी तरह उसमें आत्मा के जैसी वस्तु या द्रव्य के अवधारणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निरंतर बदल रहे हैं। ये एक 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 श्रृंखलाबद्ध चेतना का प्रवाह है जो कि निरंतर चलता रहता है। इस तरह उन्होंने नो सोल थ्योरी का खंडन किया और उन्होंने कहा आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आत्मा को हम किसी प्रमाण से नहीं जान सकते, ना तो प्रत्यक्ष से जान सकते हैं, ना प्रत्यक्ष प्रमाण से जान सकते हैं, और ना अनुमान से जान सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते किसी तरह कैसे, तो हम उसके अस्तित्व की बात कैसे करते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा है कि इन चीज़ों को, जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, जो तत्व मीमांसीय चीज़ें हैं, उनके उनके प्रति बातें करना या सोचना अपना टाइम व्यर्थ करना है, क्योंकि इससे आपको अरहत सिर्फ नहीं मिलेगी, इससे आप अरहत नहीं बन सकते, इससे आपको ज्ञान का बोध नहीं होगा, इससे आपके दुख का निवारण नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ कहना एक अज्ञानता से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन सिद्धांतों को मानना एक जाल की तरह है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। तो ये जो तत्व मीमांसी प्रश्न हैं, जो आत्मा से रिलेटेड हैं या शरीर से रिलेटेड हैं, वो बुद्ध कहते हैं कि इनका कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरीके से वो आत्मा की अवधारणा को खंडित करते हैं और अपना सिद्धांत को नो सोल थ्योरी कहते हैं, जिसको अनात्मावाद भी कहा जाता है। इसी तरह वो अनिश्वरवाद की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी धर्म स्थित चीज़ें हैं, वो हेतु और प्रत्यय को प्रत्यय की अपेक्षा करते हैं, यानी कि वो हेतु और प्रत्ययों को नहीं मानते, तभी धर्म को स्थापित किया जा सकता है। और जबकि बुद्ध धर्म ये मानता है, बुद्ध दर्शन ये मानता है कि सब कुछ हेतु जन्य है, बिना हेतु के कुछ नहीं है, क्योंकि जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं, उस ईश्वर को प्रूव करने के लिए हमें दूसरी अवस्थाओं पे, दूसरी कंडीशंस पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जब दूसरी जिस सत्ता को प्रूव करने के लिए दूसरी कंडीशंस पे डिपेंड करना होगा, तो हमें लगता है कि उस सत्ता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को खुद प्रत्यक्ष व परिलक्षित नहीं कर सकती। इसीलिए जब हम ईश्वर के संबंध में ओमनीशियंस और ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट जैसी बातें करते हैं, तो जो चीज़ अपने प्रूफ को प्रूफ करने के लिए दूसरी कंडीशंस पे आधारित है, तो वो चीज़ कैसे ओमनीप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे आत्मा स्वभावतः नहीं स्थित होती है, उसी तरह ईश्वर की कोई अवस्था नहीं है, यह तो वह अवस्था है जो व्यक्ति ने खुद उत्पन्न कर ली है। इसी तरह से वो अनिश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। और ये तीनों सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद को समझ, ये तीनों सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद पर आधारित हैं। तो दूसरा जो उनका आर्य सत्य था कि इग्नोरेंस, देयर इज इग्नोरेंस, सो ये इग्नोरेंस, ये अविद्या इन जीवन यथार्थ सिद्धांतों को नहीं जानने की अविद्या है, ये पढ़ने लिखने की अविद्या से संबंधित नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग एंड द कॉज ऑफ द सफरिंग इज द इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस इज नॉट नोइंग अबाउट द प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, अगर कारण है तो उसका उसको हम रोक भी सकते हैं, क्योंकि जब हम कारण को हर चीज इस संसार में किसी कारण से संबंधित है या किसी कारण पर निर्भर है या वो किन्हीं शर्तों से बाधित है, यदि हम उन शर्तों को हटा दें, उन
कारणों को हटा दें तो उस चीज को रोका जा सकता है। और उसी को उन्होंने कहा है कि यही तरीका है जिससे हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इन कारणों इन शर्तों को हटा देंगे अपने संसार से तो हमारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। निर्वाण से हम दुखों का अंत कर सकते हैं, पर निर्वाण को प्राप्त करने का वो रास्ता कौन सा है? रास्ता है अष्टांग मार्ग। और ये अष्टांग मार्ग आठ सुख तरीके हैं, जिसमें राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लेवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं जा रही हूँ। इसके साथ मैं यही कहूँगी कि जो अभी तक जितने धर्म हुए हैं उनमें से सबसे वैज्ञानिक धर्म अगर कोई है या दर्शन कोई है तो वो बुद्ध दर्शन है, वो बुद्ध धर्म है। क्योंकि बुद्ध धर्म किसी की अथॉरिटी को नहीं मानता। बुद्ध धर्म ये कहता है कि पहले आप उसको एग्जामिन करो, उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसको क्रिटिसाइज करो, और जब आप उसे सही मानो तभी उसको धारण करो। इसलिए दूसरे धर्मों में सब जगह ईश्वर की संकल्पना है और वहाँ तरह तरह के अवतार और प्रवर्तक उत्पन्न हुए हैं, जबकि बुद्ध अपने आप को, उनको आज ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, पर उन्होंने अपने दर्शन में कहीं नहीं कहा है कि मुझे पूजना। ये पूछना इसलिए चालू हुआ कि जब लोग अपने दुखों से इतने भयभीत हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई दया करने वाला आए और जो हमें इन दुखों से निवारण कर सके, तब वो ईश्वर की तरफ जाते हैं। तो जो यहाँ ईश्वर है वो उस जो मायान दर्शन है, मायान सेक्ट है, वो ईश्वर की संकल्पना इस हिसाब से करता है। वो कहता है कि बुद्धा इज हैविंग द वॉचफुल आइज ऑन ऑल आवर बीइंग्स, यानी कि बुद्ध अपनी चक्षु से सभी व्यक्तियों सभी लोगों को देख रहे हैं इस संसार में और वो सभी पे अपनी दया बरसाए। इसीलिए यहाँ जो मायान दर्शन है, मायान सेक्ट है, वो इस तरह ईश्वर की संकल्पना बुद्ध दर्शन में लाता है, जबकि बुद्ध दर्शन में ईश्वर की कोई संकल्पना नहीं है। इसी तरीके से वो सेल्फ को भी लाता है। वो कहते हैं कि हमारे जो अवस्था है, व्यक्तिगत अवस्था कुछ भी नहीं है, व्यक्तिगत हमारा जो जीवन है वो व्यक्तिगत जीवन नहीं है, बल्कि वो सामान्य जीवन का अंश है। यदि हम ये समझ लें तो हम अपने यत्न प्रयत्न खत्म करके उस जो एब्सोल्यूट सेल्फ है उसको हम उसी का एक अंश है। तो इस तरीके से ये दो चार चीज़ें हैं जो बाद में मायान सेक्ट में इसमें लाई गई हैं और जिसकी वजह से मायान सेक्ट को उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसको ग्रेटर व्हीकल भी कहा गया हीनयान के कंपैरिजन में, क्योंकि हीनयान बुद्ध धर्म को उसमें व्यक्तिगत निर्वाण की बात करता है और मायान सबके निर्वाण की बात करता है। इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म उस वक्त भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम है, जो प्रमाइस है, वो आज भी वही है। पहले भी दुख था, आज भी दुख है। विज्ञान में हमें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।